हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आज की शाम आप सबको सलाम। आज हम मौजूद हैं बहुत ही एक मशहूर शख्सियत की तरफ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक आला और जिसको बोलते हैं बहुत ही मारूफ इंसान हैं, मुश्ताक भट्टू साहब। कराची डिवीज़न के सदर हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने जो लास्ट टाइम में आपने हमारी रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि प्रेस क्लब में जैसे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसके अंदर जो हमारे मिनॉरिटी से रिलेटेड, अकलियत से रिलेटेड ख्वाजा सराय हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मकदार में जो है तादाद में शमूलियत का ऐलान किया था उनकी क़ियादत में पीपल्स पार्टी में। तो आज उन्होंने अपने जगह पर, अपने घर पर बुलवाया है, अपने फार्म हाउस पर, और यहाँ पर उन्होंने जो है एक पुर मुसरत शाम का इनेकाद किया है, जिसमें तमाम ख्वाजा सराओं को उन्होंने पीपल्स पार्टी में वेलकम के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है, और बाकायदा यहाँ पर दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है वो स्पेशली हमारी जो मसीही स्कॉलर हैं पास्टर गज़ाला शफीक साहिबा, उन्होंने जो है बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है, जो कि बैतुल मोमिनीन चर्च की जो है वो चेयरपर्सन भी हैं, और यहाँ पर जो है आज इबादत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे की इबादत का अहवाल। मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, फिर वो बैत सदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उससे पूछा कि क्या तू कुछ देखता है। उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ों को साफ साफ देखने लगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बात से बरकत हो। ख्वाजा सरा के लिए इस्तकबालिये का बंदोबस्त किया अपने फार्म हाउस पर, खाने का बंदोबस्त किया और अबादत का बंदोबस्त किया कि सारी कौमें कबीले उमते हमारे साथ, हिंदू साथी भी हैं, मुसलमान बहन भाई भी बैठे हैं, हम सब मिलकर खुदा को मुबारक कह सकें। हमदर्दी और रहम जो है ये खुदाई खासियत है और खुदा चाहता है कि, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो अब मीडिया की तरफ आए हैं, और क्या ही खूबसूरत उन्होंने मीडिया में एंट्री डाली है, और वो सदर भी है कराची डिवीजन। शुक्रगुजार हूँ आप सबकी और बिलखसूस अपने प्रेसिडेंट जो हैं मिनॉरिटी विंग कराची के मुश्ताक मट्टू साहब और तमाम मौजूद मेहमानों का कि उन्होंने सिर्फ रस्मी कार्रवाई नहीं की कि जी ख्वाजा सरा को वेलकम किया है, बल्कि उन्होंने भरपूर तरीके से इनको पीपल्स पार्टी में वेलकम किया, ऑन किया, और ये 10 दिन के अंदर अंदर ये तीसरी तकरीब है। और आप देख रहे होंगे कि अभी ये चर्च को कायम हुए भी दूसरा साल है, 7 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे, तो इनको अभी गीत वर्शिप करना भी सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ अभी इनको सिखा रहे हैं। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि ये लोग अब दुनिया की बातों से छुटकर खुदा की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं
और अब इनकी ख्वाहिश है कि स्किल डेवलपमेंट का जो है इनका एहतमाम किया जाए ताकि ये दोबारा से गलत कामों में गलत चीज़ों में ना चला जाए। तो दोबारा मैं यही आपसे इन सारी एफर्ट्स के लिए शुक्रिया भी अदा करूंगी और दरख्वास्त करूंगी कि अकलियती ख्वाजा सरा को जो 5% कोटा हर जगह मुकर्रर किया गया उसमें अकलियती ख्वाजा सरा को भी स्पेशल बुनियादों पर काउंसलर्स भी लाया जाए, जॉब्स में भी लाया जाए और इनकी स्किल डेवलपमेंट का भी एहतमाम किया जाए। और ये चर्च जिसका शोहरा हो रहा है, ये चर्च एज सच हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, मैं अपने घर के सहन में पहले कमरे में हम इबादत करते थे, जब इनकी तादाद बड़ी ज़्यादा हो गई, अब कभी 40 भी हो जाते हैं, कभी 30 होते हैं, तो अब मैं अपने घर के सहन में इनके लिए इबादत का एहतमाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आज अपनी बहन गज़ाला शफीक साहिबा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और इनकी दलेरी, बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये कदम उठाया और ख्वाजा सराओं की खिदमत का अहद किया और इसमें हमें भी अपने साथ शामिल किया। और अकलियत से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सराओं को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कराई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अमली काम करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों, मजलूमों और पिसे हुए तबकात के लिए काम करती है। और आपने देखा कि ना सिर्फ हमने इन्हें शमूलियत कराई बल्कि हम इन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। और अभी बाजी ने जो बिल की बात की तो इस पर बाजी की शैला रज़ा साहिबा से भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई और अभी और मीटिंग्स होंगी और जो तहफ़ुज़ात अकलियती ख्वाजा सराओं को हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस बिल में जो है ज़रूर तरमीम करेगी और उसमें शामिल करेगी। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद रखता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इनके हकूक़ की बात करती रहेगी। वेलकम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट रेमन पैट्रिक। आज हम मौजूद हैं जनाबे मोहतरम हमारे जो अकलियती नुमाइंदे हैं और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है कराची की फ़िज़ा के अंदर जो है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को वो नुमाया तौर पर जो है सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने जो है अभी रिसेंटली ख्वाजा सराओं की, एक मसीह ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने इंटर करवाई और बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया ख्वाजा सराओं ने उनकी क़ियादत के अंदर, और जिसमें एक बहुत बड़ी काविज़ जो थी वो हमारी मोहतरमा जो स्कॉलर हैं पास्टर गज़ाला शफीक साहिबा, उनकी भी बीच में बहुत बड़ी काविज़ थी। उनके साथ मिलकर मुश्ताक मट्टू साहब ने जो है वो ख्वाजा सराओं की बतौर उनको यहाँ पे नामज़द भी करवाया है कि पीपल्स पार्टी के ने जो है उनको टिकट देने का इरादा किया है तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर। और ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो काविज़ जो है मुश्ताक मट्टू साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी क़ियादत की तरफ से की गई है। तो हमारे साथ इस मौका पर आज हम मौजूद हैं जो मुश्ताक मट्टू साहब का कैंप ऑफिस है मलीर के अंदर, वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक पुरमसरत तकरीब का इनेकाद किया जिसमें इबादती प्रोग्राम भी था और साथ ही साथ जो है उन्होंने ख्वाजा सराओं को वेलकम किया, जोराना भी यहाँ पे दिया गया उनके जो है खिदमत में। तो यहाँ पर पास्टर गज़ाला शफीक से हम पूछेंगे कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से वो हमसे क्या व्यूज़ शेयर करती हैं। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं मेमन गोट में, मुश्ताक मट्टू साहब ने जो अपना ऑफिस बनाया है पीपल सेक्रेटेरिएट का, यहाँ से वो तमाम अपनी जो पीपल्स पार्टी के काम हैं वो सर अंजाम देते हैं। और जब क्रिश्चियन ख्वाजा सराओं ने, अकलियती ख्वाजा सराओं ने जब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया तो ना सिर्फ उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बाकायदा ऐलान किया कि अब क्रिश्चियन ख्वाजा सरा भी जो हैं वो अमली सियासत में हिस्सा लेंगे, और उसी खुशी में आज उन्होंने अपने फार्म हाउस में, अपने ऑफिस में इस्तकबालिया का एहतमाम किया।
यहाँ पर एक बहुत अच्छी रूहानी इबादत की गई और उसके बाद जो है खाने का बंदोबस्त किया गया और अजरक पहनाकर तमाम ख्वाजा सराओं को और मुझे भी खुशामदीद कहा गया। ये पॉजिटिविटी है कि हम ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि माशरे के जो पिसे हुए लोग हैं, नज़रअंदाज किए हुए लोग हैं, हम वो काम ना करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पर मुश्ताक मट्टू साहब की कि जिन्होंने अमली कदम उठाया, अमली मुजाहरा किया और हाथ पकड़कर, ना सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा बल्कि उन्होंने उन तमाम ख्वाजा सराओं को खुशामदीद किया, कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाया, फिर वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर मैडम शैला रज़ा साहब के दफ्तर में लेकर गए, उनसे भी बातचीत करवाई, मुलाकात करवाई ताकि इन ख्वाजा सरा के जॉब्स के जो इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए, इनको सियासत में एम्पावर किया जाए। और आज उन्होंने अपने फार्म हाउस पर हमें स्पेशली गाड़ी का बंदोबस्त किया और हम यहाँ पर आए हैं। बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, बहुत खूबसूरत इबादत हुई, फिर अजरक पहनाकर सबको खुश आमदीद कहा गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कमज़ोर को जोर आवर करती हैं। मैडम गजाला शफीक कुछ और ख्याल का इजहार करना चाह रही हैं, तो आइए इनसे सुनते हैं कि ये क्या जो है व्यूज शेयर करना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो कुर्बानी है, बेनज़ीर साहिबा की, पाकिस्तान की पिसी हुई आवाम के लिए, उसको कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम ज़ुल्फ़िकार शहीद भुट्टो साहब के पूरे ख़ानदान की जो कुर्बानियां हैं पाकिस्तानी सियासत में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और पीपल्स पार्टी अकलियतों की जो आवाज़ बनती है, कुव्वत बनती है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और हम चाहेंगे कि ना सिर्फ हमारे ख्वाजा सरा और दूसरे लोग भी, जो शहीद बीबी रानी का वियन है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ताकतवर बनाना, उनको बरसरे रोज़गार बनाना और उनको सियासत में भी लेकर आना, तो ये सारा जो वियन उन्होंने लोगों में ट्रांसफ़र किया है और उसी वियन पर अमल करते हुए मुश्ताक मट्टू साहब ने हमारा हाथ पकड़ा है और हम इस सारी जो रोया है, सारा वियन है, उसको इन ख्वाजा सरा के दरमियान भी ट्रांसफ़र करने का अहद करते हैं। हमारे साथ बहुत ही पुरजोश और जोशीले जियाले मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के, अरशद यूनर राय साहब, जिनकी खिदमात हमेशा मसीह कम्यूनिटी के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो मुतवस्सिक तबके से जिनका बिलोंगड है और तमाम ऐसे लोग जो पिसे में, उनके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हर काविश में वो हर जगह मौजूद होते हैं मसीह कम्युनिटी के साथ, तो आज ही हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं गजाला शफीक साहिबा जो हैं, वो इनके लिए स्पेशली कुछ कहना चाह रही हैं आज। जी मैडम। जी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अरशद यूनस राही साहब ना सिर्फ मेरे छोटे भाई की तरह हैं और इस सारी रोया को, इस सारे काम को मुमकिन बनाने वाले यही हैं। ये मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा कि जब दूसरे ख्वाजा सरा ने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है तो आपके अकलियती ख्वाजा सरा पीछे क्यों हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम करना, आज का ये इस्तकबालिये का कोऑर्डिनेशन करना, ये वो शख्स है जो मैं कहती हूँ कि मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी के मुश्ताक मट्टू साहब की के भी दस्ते रास्ते हैं और मेरे भी दस्ते रास्ते हैं। मेरे हर काम में डिस्कशन करना, सही मशवरा देना, ख़ुद मुझसे पूछना, तो ऐसे नौजवान जो हैं वो अपनी कम्युनिटी का दर्द रखते हैं और हमेशा, थैंक यू अरशद भाई के आप हमेशा। आज हमारे साथ अरशद राही साहब जो हैं वो मौजूद हैं और हम अरशद राही साहब की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एफर्ट की, किस तरीके से उन्होंने ये मुमकिन किया कि ये सारा काम हो सके। तो आज जो है अरशद राही साहब से भी हम पूछेंगे कि अरशद राही साहब, आपने जो ये बहुत बड़ा काम किया है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया रेमंड साहब, और आपका और आपके जेजे टीवी का, जेजे टीवी के लिए मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो जेजे टीवी वाले नुमायाँ नज़र आते हैं, और जेजे टीवी के जितनी भी टीम है मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और उसके बाद मैं ये बिलखसूस खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने
सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग कराची डिवीज़न मोहतरम जनाब मुश्ताक मटू साहब को और उनके साथ ही हमारी पाकिस्तान की नामवर स्कॉलर मौलमा और पहली खातून मुनाजरा मोहतरमा पास्टर गजाला शफीक कंवल साहिबा को कि उन्होंने एक इस तरह का काम किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा सरा जो है वो सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं है, ये एक कम्यूनिटी है, ये एक सोसाइटी है। तो उन्होंने अहले सियासत की और अहले समाज की तवज्जो जो है वो इस कम्यूनिटी की तरफ मबजूल करवाई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा सराओं के लिए जो एफर्ट्स किए हैं, जो काविशें की हैं, उनको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर सियासी तौर पर और समाजी तौर पर बड़े ग्रां कदर अल्फाज के अंदर सराहा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकी नौकरियों के लिए 5% कोटा मुख्तस कर दिया है और उसके अलावा बल्दियाती इलेक्शन में हर यूनियन कौंसिल के अंदर ख्वाजा सरा जो हैं उनकी एक मखसूस नशिस्त है। और मैं ये सिर्फ एक ख्वाजा सरा को अकाउंट नहीं करता, मैं जे टीवी के तवसत से उन तमाम लोगों को ये वाजिया करना चाहता हूँ कि कराची के अंदर 280 यूनियन कौंसलें हैं। अगर 280 यूनियन कौंसल्स के अंदर 280 ख्वाजा सरा जो हैं वो आते हैं, उसके बाद हमारे 25 टाउन हैं और 25 टाउन्स के अंदर ख्वाजा सरा की सीटें हैं, उसके बाद कराची मेट्रोपॉलिटन के अंदर हमारी ख्वाजा सरा की सीटें हैं। तो आप अंदाज़ा करें ये कितनी बड़ी कम्युनिटी है, कितनी बड़ी सोसाइटी है और इनका कितना बड़ा किरदार है इस सोसाइटी के अंदर। तो लिहाजा मैं तमाम जो लोग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मेरी मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मौतबाना तौर पर गुजारिश करूँगा कि खुदा रहा इस मसले को संजीदगी से लें। जितने भी ख्वाजा सराय हैं उनको आप सियासी मैदान में लाएं ताकि वो अपने हकूक़ की बात कर सके, वो अपना मुकदमा जो है वो ऐवान बाला में लड़ सके, वो अपने लिए बेहतर और मौसर कानून साजी जो है वो अमल में ला सके। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ पूरी कराची बल्कि अब तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो है वो मारका मारा है और बहुत बड़ी एक इनकी काविश सोच और फिक्र जो मसीही कम्युनिटी के ख्वाजा सराओं के लिए थी कि उन्होंने हक की आवाज़ को बुलंद किया और वो तबका जो पिसा हुआ था, दबा हुआ था, जिनको लोग दुत्कारते थे, अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते थे, वो कारनामा जो है वो हमारे जो मिनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न के सदर हैं मुश्ताक मट्टू साहब, उन्होंने करके दिखाया कि उन्होंने ख्वाजा सरा जो मसीह ख्वाजा सरा है उनको अपने गले से लगाया, बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत इख्तियार करवाई, तमाम कराची की यूनियन काउंसिल्स के अंदर उनकी सीट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है और इस काविश के लिए उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी थी बिलावल भुट्टो साहब की, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने काम किया है पूरी मसीह कौम के हवाले से कि इन्होंने ख्वाजा सराओं जो मसीह ख्वाजा सरा थे उनको इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो उनको एक पहचान बख्श दी है कि वो अपना सर फ़खर से जो है बुलंद करके इस माशरे में जी सकते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही एक पुरमसरत तकरीब का वेलकम किया उन्होंने, तकरीब का इनकाद किया अपने यहाँ पर कैंप ऑफिस में मलीर में। तो आइए जानते हैं इस मौके पे ये क्या ख्यालात का इजहार करते हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल, और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आपकी इस काविश के लिए जो आपने दर्द रखी अपनी मसीह ख्वाजा सराओं के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सबसे पहले तो मैं आज जैकब जावेद चैनल टीवी चैनल का, आपका, फैसल गौरी साहब का नहायत शुक्र गुज़ार हूँ कि आपके तवसत से मेरी आवाज़ जो है पाकिस्तान के मसीह लोगों तक, अकलियत के लोगों तक, तमाम लोगों तक पहुँचेगी, जिसके लिए मैं आपका नहायत शुक्र गुज़ार हूँ। और ख्वाजा सराओं के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग की तरफ से एक इस्तकबालिया दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अकलियत के जो ख्वाजा सरा हैं उनकी शमूलियत कराई गई। तो यहाँ हमने ये सोचा कि ये काम शमूलियत तक ना रह जाए, तो आज उनको एक इस्तकबालिया दिया गया है। और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे नौजवान चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने पिसे हुए तबकात की बात की, उनके वकालत की और ख़ास तौर पर अकलियतों की जो है नुमाइंदगी की और अकलियतों की वकालत की। आपने देखा मंजूर मसीह का वाक़या, सलामत मसीह का वाक़या, बेटी रिमशा का वाक़या, बेटी आसिया का वाक़या। और मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा सरा, इनको भी लोग जो हैं नफ़रत की निगाह से देखते थे, तो मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत के लायक हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ख्वाजा सराओं के लिए बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी खिदमत भी जो है इंसानियत की खिदमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है, इसी वजह से आज इनको यहाँ पर इस्तकबालिया दिया गया है।
जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुश्ताक मट्टू साहब ने जो है वो उस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से बाइबल में कलाम मुकद्दस में खुदा ने ख्वाजा सराओं को एक इज़्ज़त बख्शी, एक वक़ार बख्शा, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने भी इस ख्वाजा सरा जो मसीह ख्वाजा सरा थे उन सबको पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी करवाई। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आपको आज बहुत ही एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि मुश्ताक मट्टू साहब ने अपने घर के दरवाजे जो है वो सबके लिए खोले हैं और बाकायदा मोहब्बत का जो है उन्होंने आज इजहार किया और बाकायदा हमारे लिए भी, हमारी पूरी टीम के लिए उन्होंने जो है वो अजरक का जो है वो यहाँ पर इनेकाद किया और हमें अजरक भी पहनाई गई है। तो हम मुश्ताक मट्टू साहब का तय दिल से शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने जो मोहब्बत और जो प्यार हमारे साथ बांटा है इसके लिए हम हमेशा उनके मशकूर रहेंगे और चाहेंगे कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स भी जो हैं वो ज़रूर इनका बाजू बने, सपोर्ट करें और मुश्ताक मट्टू साहब के लिए नेक तमन्नाओं का हमेशा जो है वो जिक्र इसी तरीके से होता रहे। तो इसी हिसाब से मैं अपने प्रोग्राम का जो है वो एंड करूँगा और आप सबसे दुआओं की अपील करूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट रेमन पैट्रिक, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।